नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के रिवीजन का ये हमारा पांचवा लेक्चर है। इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल NH 766 यानी नेशनल हाईवे 766 के बारे में है। काफ़ी बार आपका ये डाउट होता है कि इतने सारे नेशनल हाईवेज हैं, क्या उनके नाम याद रखने जरूरी हैं? देखो, UPSC हाईवेज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ लेती हैं, 2015 में पूछा था, लेकिन UPSC उन नेशनल हाईवेज़ पे फोकस करती हैं या तो वो न्यूज़ में थे, जैसे ये न्यूज़ में है आज, या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नेशनल हाईवे। स्ट्रेटेजिक नेशनल हाईवे मतलब कोई नेशनल हाईवे बॉर्डर के नज़दीक है, या फिर कोई नेशनल हाईवे की किसी और प्रकार की सिग्निफिकेंस है, तो उन नेशनल हाईवेज़ के बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछ लेती है। 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ थे, मतलब जैसे राजस्थान बॉर्डर पे नेशनल हाईवे, या फिर नॉर्थ ईस्ट में वो नेशनल हाईवेज़ जो बॉर्डर तक लेके जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो आज हमें डिस्कस करना है नेशनल हाईवे 766 के बारे में। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है कर्नाटक और केरल के बीच। आप ये मैप देख सकते हो, केरल और कर्नाटक के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईवे है और ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक से होके गुजरता है। ये जो रोड है कोलेगल मैसूरू कोझिकोड रोड, ये 200 साल पुराना रोड है। 1989 में इस रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया गया। पहले नाम था नेशनल हाईवे 212, लेकिन बाद में नाम जो है इस नेशनल हाईवे का वो चेंज कर दिया गया। आज के समय में इस नेशनल हाईवे का जो नाम है वो है नेशनल हाईवे 766। रेल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोकल कमूटर्स वाइड स्केल पर इस नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, और केरल और कर्नाटक से के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी इस नेशनल हाईवे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं गुड्स ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो, ये नेशनल हाईवे बांदीपुर टाइगर रिजर्व से होके गुजरता है। आसपास काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे नागर होल टाइगर रिजर्व ऊपर देखिए, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नीचे है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके नीचे है मधुमलाई नेशनल पार्क। और जानवर जो हैं वो देखो एक नेशनल पार्क तक सीमित नहीं रहते, कॉरिडोर बना हुआ है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व से जो एनिमल्स हैं वो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ जाते हैं, उसके बाद मधुमलाई नेशनल पार्क में चले जाते हैं, क्योंकि कॉरिडोर बने हुए हैं आपस में। अब दिक्कत ये है, यहाँ से जो ये रात को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो चुकी है टकरा के व्हीकल्स से। तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोकल प्रोटेस्ट हो रहा है कि कम से कम रात को जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बंद कर दीजिए इस हाईवे पर, खास करके ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व का जो स्ट्रेच है, मतलब नेशनल हाईवे का वो पोर्शन जो इस टाइगर रिजर्व से होके गुजरता है, वहाँ पर रात को किसी प्रकार की कोई मूवमेंट ना हो, ताकि जो एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं एनिमल्स के व्हीकल्स के साथ, वो एक्सीडेंट ना हो, रात को जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली घूम सकें, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल हाईवे 766 के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नेशनल मानसून मिशन के बारे में है। ये मिशन देखो लॉन्च किया गया था 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। मकसद क्या था इस मिशन को लॉन्च करने का? इस मिशन को लॉन्च इस विजन के साथ किया गया था कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट डायनेमिकल प्रिडिक्शन सिस्टम हो, मानसून के बारे में हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकें कि इस बार विभिन्न टाइम स्केल्स पर बारिश कितनी होगी। और इस मिशन को एग्जीक्यूट और कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे को। लेकिन देखो, अफसोस की बात ये है कि ये जो मिशन है इस बार मानसून को प्रिडिक्ट करने में असफल रहा, मतलब ये मिशन बता नहीं पाया कि अगस्त और सितंबर 2019 में ज़्यादा बारिश होगी। और आपने देखा इस बार कई इलाकों में अगस्त और सितंबर में एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, यानी प्रिडिक्शन कम की गई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। तो इस मिशन ने सफलतापूर्वक अपना काम नहीं किया। कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बात करें इस मिशन के बारे में, देखो USA का जो क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम है उसको आइडियल मान के, उसको मॉडल मान के हमने ये नेशनल मानसून मिशन लॉन्च किया था। और इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स थे इस मिशन को लॉन्च करने के। पहला ऑब्जेक्टिव मानसून रेनफॉल
कि प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करना ऑन द एक्सटेंडेड रेंज। एक्सटेंडेड रेंज का मतलब है 16 दिन से लेके एक सीजन के बीच। दूसरा ऑब्जेक्टिव टेम्परेचर, रेनफॉल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इनकी प्रिडिक्शन को भी इम्प्रूव करना कितने समय के लिए, शॉर्ट टू मीडियम रेंज टाइम स्केल, मतलब 0 से लेके 15 दिनों के बीच टेम्परेचर, रेनफॉल, एक्सट्रीम वेदर, ये सब जो इवेंट्स हैं वो किस प्रकार से रहेंगे विभिन्न लोकेशंस पर, इसके बारे में प्रिडिक्शन करना। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल मानसून मिशन के बारे में, जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस बार, बारिश ज़्यादा हुई लेकिन अच्छे से इफ़ेक्टिव रूप से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया ये मिशन। थोड़ा सा हम कपल्ड फोरकास्ट मॉडल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इस मॉडल को बेस बना के ही हमने मिशन लॉन्च किया था। देखो, ये अमेरिका का मॉडल है, ये वन ऑफ बेस्ट है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। इसको नेशनल सेंटर्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रिडिक्शन USA के द्वारा डेवलप किया गया है। इस कपल्ड फोरकास्ट मॉडल में क्या होता है, ओशन के डेटा को, एटमोसफेयर के डेटा को, लैंड के डेटा को, इन सभी डेटा को कंबाइन किया जाता है और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब इससे अच्छा मॉडल अभी फिलहाल वर्ल्ड में नहीं है ऐसा माना जाता है, और इसी मॉडल को आधार बना के हमने नेशनल मानसून मिशन लॉन्च किया था। एक क्वेश्चन अभी आप अटेम्प्ट कीजिए, नेशनल मानसून मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, चारों स्टेटमेंट्स देखिए और आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये आसान क्वेश्चन था, अभी हमने डिस्कस किया मानसून फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन है, तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए या फिर ओशन में न्यूट्रिएंट के सीड्स के लिए, ये सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। पहली स्टेटमेंट सही है, इम्प्रूव मानसून फोरकास्टिंग इन इंडिया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हिंदुकुश हिमालयन रीजन के बारे में है। ये स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हो ये है हिंदुकुश हिमालयन रीजन। इस रीजन में काफ़ी सारे देश आते हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट देखो ये है, हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जो वेदर और क्लाइमेट की फोरकास्टिंग करता है, हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चाइना और पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ कोलाब्रेशन करने का फैसला किया है, ताकि हिंदुकुश हिमालयन रीजन में जो देश आते हैं उनको क्लाइमेट फोरकास्टिंग संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। समझ गए, मतलब मिलकर काम करेंगे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ताकि इस रीजन में जो भी देश आते हैं उनको बेटर क्लाइमेट फोरकास्ट संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। हिंदुकुश रीजन को देखो थर्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इन दोनों पोल्स के बारे में तो आपको पता ही है, और इन दोनों पोल्स के अलावा हिंदुकुश हिमालयन रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ जमी है अर्थ पर, तो इसीलिए इसे थर्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही विशाल यानी वास्ट क्रायोस्फीरिक जोन है। क्रायोस्फीरिक जोन मतलब वो जोन होता है जहाँ पर पानी सॉलिड स्टेट में होता है। 2018 में UPSC ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें नाम था इसी प्रकार का, क्रायोस्फीयर, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हुई थी ये समझने में कि क्रायोस्फीयर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है वो रीजन जहाँ पर बर्फ जो पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये जो हिंदुकुश रीजन है ना, यहाँ से 10 मेजर रिवर्स भी निकलती हैं, और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ये रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है बर्फ पिघल रही है इस रीजन में, तो यहाँ पर बर्फ पिघलने से इन देशों के क्लाइमेट पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सा हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO के बारे में भी जान लेते हैं। ये देखो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टाब्लिश किया गया था 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन की रेटिफिकेशन के बाद। ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये याद रखिएगा, ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। काम क्या है? काम ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का हाइड्रोलॉजी या फिर मीटरोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश करना। देखो मीटरोलॉजी का मतलब ये होता है, ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो एटमॉस्फेयर संबंधित फेनोमेनन के बारे में स्टडी करती है,
और हाइड्रोलॉजी का मतलब ये है साइंस की वो ब्रांच जो अर्थ वाटर की मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू लैंड, इसके बारे में स्टडी करती है। तो इन दोनों क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विभिन्न कंट्रीज के बीच। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमारे सोलर सिस्टम में 8 जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा मून कौन से प्लैनेट के हैं? स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीर जो है, इसे देख के आप बता सकते हो क्वेश्चन का आंसर कि सबसे ज्यादा मून्स कौन से प्लैनेट के हैं। यहां पर देखो, जुपिटर के हैं सबसे ज्यादा मून 69। लेकिन देखो, ये ओल्ड डाटा है, ये पुराना डाटा है। अभी हाल ही में सैटर्न यानी शनि ग्रह के 20 और ज्यादा मून्स को डिस्कवर किया गया। तो पहले सैटर्न के कितने मून्स थे? 62। अब बढ़ के हो चुके हैं 62 + 20 = 82। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है, हमारे सोलर सिस्टम में वो प्लैनेट जिसके सबसे ज्यादा मून है, आंसर है सैटर्न यानी शनि ग्रह, ना कि जुपिटर, क्योंकि 20 और ज्यादा शनि ग्रह के मून्स को डिस्कवर किया जा चुका है। और देखो, 20 जो नए मून्स डिस्कवर किए हैं सैटर्न प्लैनेट के, उनमें से 17 जो मून्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जिस डायरेक्शन में सैटर्न प्लैनेट रोटेट करता है, और 3 मून्स के रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम है जो सैटर्न प्लैनेट के रोटेशन की डायरेक्शन है। तो अगर अब कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है, तो आंसर होगा सैटर्न, ना कि जुपिटर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टाइफून हाजीबीस के बारे में है। देखो, टाइफून, साइक्लोन या फिर हरिकेन, ये सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं। मतलब इन तीनों का मतलब सेम ही है, तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैं। किस रीजन में ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ रहा है उस आधार पे अलग अलग नाम हैं। जैसे देखो, इंडिया के आसपास अगर ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता है तो नाम साइक्लोन है, इस रीजन में आता है तो नाम हरिकेन होगा, और यहाँ पे जापान और चाइना के आसपास आए तो नाम होगा टाइफून। समझ गए? यानी किस रीजन में ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ रहा है उसके आधार पर अलग अलग नाम हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के। और वैसे हर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम अलग से भी दिया जाता है, इसके लिए एक प्रॉपर क्रिटेरिया है, और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे इंडिया को, इंडिया के जो आसपास कई सारे देश हैं, थाईलैंड, म्यांमार, इनके साथ रखा गया है, एक कैटेगरी बनाई गई है। तो सब देशों को बोला गया है कि आप एक लिस्ट दीजिए नाम की। तो इंडिया ने अपनी एक लिस्ट दे रखी है, म्यांमार ने अपनी एक लिस्ट दे रखी है, थाईलैंड ने अपनी एक लिस्ट दे रखी है। जब कोई ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता है तो विभिन्न देशों के द्वारा जो लिस्ट सौंपी गई है, बारी के अनुसार कोई नाम रख दिया जाता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म का। तो ये देखो कैसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम बढ़ता है, हमने एक बेसिक आइडिया डिस्कस किया। स्पेसिफिक डिटेल्स अभी वैसे हमने नहीं डिस्कस की, जैसे इंडिया जिस कैटेगरी में आता है उसमें कितने देश हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ तो डिस्कशन का पार्ट नहीं थी, लेकिन बहुत बार डिस्कस करते करते डायमेंशंस आ जाती हैं, तो हमने ऐसे ही डिस्कस कर लिया बेसिक आइडिया। खैर, हम डिस्कस कर रहे थे टाइफून हाजीबीस के बारे में। जापान में काफ़ी सारी फ्लडिंग और लैंडस्लाइड्स आए हैं इस टाइफून की वजह से, हाजीबीस की वजह से। जापान जिस कैटेगरी में आता है उसमें फिलीपींस भी आता है, और ये जो हाजीबीस नाम है ये फिलीपींस का नाम है। अब देखो, जापान के आसपास कोई और भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता तो उसका नाम ये हाजीबीस ही पड़ता, क्योंकि इस नाम का नंबर आया हुआ था आर्टिकल में। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि देखो, इससे पहले 1958 में इतना स्ट्रोंग टाइफून आया था, और हाजीबीस का मतलब है फिलीपींस में स्पीड, काफ़ी स्ट्रोंग बारिश हुई है इस टाइफून की वजह से। बाकी तो ये सिंपल डिटेल्स हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म कब आता है, किन कंडीशंस में आता है, टेम्परेट साइक्लोन कब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, तो आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हरिकेन कौन से रीजन में आता है, टाइफून कौन से रीजन में, साइक्लोन कौन से रीजन में, या फिर काफ़ी बार यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है, साइक्लोन तितली कौन से देश में आया, कौन से
ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने कौन से देश को प्रभावित किया, मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल तुलागी आइलैंड के बारे में है। इससे पहले कि हम इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करें, आप स्क्रीन पर मौजूद ये जो मैप है इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक ये अलग से एक देश है, सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स ये अलग से देश हैं और सोलोमन आइलैंड्स का ही एक आइलैंड है तुलागी आइलैंड। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया के पास एक अलग से देश है सोलोमन आइलैंड्स और इस देश का एक छोटा सा आइलैंड है तुलागी आइलैंड। बहुत छोटा है, 2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, पॉपुलेशन है सिर्फ 1200। ये न्यूज़ में इसलिए आया है, ये आइलैंड लीज पर दिया गया है सोलोमन आइलैंड्स देश के द्वारा चाइनीज़ कंपनी को 75 ईयर्स के लिए। यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी के द्वारा एक रिफाइनरी इस्टाब्लिश की जाएगी। यहाँ पर देखो, रिफाइनरी इस्टाब्लिश की जाएगी चाइनीज़ कंपनी के द्वारा इस आइलैंड पर। लेकिन देखो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आइलैंड चाइना की कंपनी के पास रहेगा, मतलब चाइना के पास रहेगा, तो इस आइलैंड को चाइना अपने मिलिट्री पर्पजेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है यूएसए के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। इससे पहले भी जिबूती, जिसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर चाइना ने अपना फर्स्ट मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश किया था। देखो, ये सुपर पावर बनने की एक प्रकार से निशानी है। यूएसए के अभी मिलिट्री बेसिस हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं जहां पे यूएसए का मिलिट्री बेस ना हो। उसी प्रकार से चाइना भी अब धीरे धीरे अपना मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश करता जा रहा है वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। देखो, किसी समय में ये आइलैंड जैपनीज नेवल बेस हुआ करता था और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ पर फाइट भी देखने को मिली थी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया तुलागी आइलैंड के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल माउंट पेक्टू के बारे में है। माउंट पेक्टू, जिसे बेकडू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, और चाइना में इसी माउंटेन को चंगबाई माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर है। ऊपर चाइना, नीचे नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पर है माउंट पेक्टू। किस लिए सुर्खियों में है ये माउंट पेक्टू? जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम, ये इस माउंटेन पर हाल ही में गए थे। एक्चुअल में देखो, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जब भी कोई बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं उससे पहले इस माउंटेन पर विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले साल नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जब साउथ कोरिया की 3 दिनों की यात्रा पर गए थे तो उससे पहले इस पहाड़ पर आए थे। इसीलिए अब कयास ये लग रहे हैं, मतलब स्पेकुलेशन लग रही है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर जल्द ही कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, इसीलिए वो फिर से इस पहाड़ पर आए हैं। माउंट पेक्टू के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें अगर हम डिस्कस करें, देखो, इस माउंटेन को कोरियन पेनिनसुला में काफ़ी पवित्र माना जाता है क्योंकि मान्यता ये है कोरियन पेनिनसुला में कि कोरियन किंगडम का स्पिरिचुअल जो ओरिजिन है वो इसी माउंटेन से है। मतलब कोरियन किंगडम को जिसने इस्टाब्लिश किया था उसका जन्म यहीं पर हुआ था। और वैसे ये एक वोल्केनिक माउंटेन है और कोरियन पेनिनसुला में हाईएस्ट पीक जो है वो यही माउंटेन है, माउंट पेक्टू। इस माउंटेन की हाइट है 9000 फीट। फीट है यहाँ पर, मीटर नहीं है। 9000 मीटर तो माउंट एवरेस्ट भी नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया माउंट पेक्टू के बारे में। वैसे एक बात आप ये भी याद रखिएगा, माउंट पेक्टू जो है वो वोल्केनिक माउंटेन है और पिछली बार यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पहले। तो मैपिंग में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि माउंट पेक्टू कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, और बाकी कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल भासनचर आइलैंड के बारे में है। देखो, पिछले 4 से 5 सालों में म्यांमार में रोहिंग्यास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ, तो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास रोहिंग्यास ने शरण ली बांग्लादेश में। ज़्यादातर जो रोहिंग्यास है बांग्लादेश में वो कोक्स बाजार में रहते हैं, कैंप्स में। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा
क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड है आप कह सकते हो। तो बांग्लादेश में एक आइलैंड है, भासनचर आइलैंड, आप यहां पर मैप में देख सकते हो, ये आइलैंड है, यहां पर आपको अच्छे से दिख जाएगा, भासनचर आइलैंड। यहां पर 1 लाख रोहिंग्यास के रहने के लिए कैंप बनाया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो आइलैंड है ना भासनचर, यहां पर रेगुलर साइक्लोन, फ्लड और दूसरी प्रकार की नेचुरल कैलमिटीज आती रहती हैं। तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने क्वेश्चंस रेज किए हैं, आप रोहिंग्यास को ऐसे आइलैंड पर भेज रहे हो जहां पर फिलहाल कोई नहीं रहता है और यहां पर रेगुलर फ्लड और साइक्लोन आते रहते हैं, तो बहुत से रोहिंग्यास की मौत भी हो सकती है, आप इनको यहां पर इस आइलैंड पर रिलोकेट कर रहे हो। लेकिन बांग्लादेश की अथॉरिटीज कहती हैं हमारे पास कोई चारा नहीं है और रोहिंग्यास को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम 3 मीटर का एक इम्बैंकमेंट क्रिएट करेंगे, यानी इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, ये 3 मीटर हाइट का होगा, ताकि साइक्लोन का या फिर फ्लड का कोई भी असर ना हो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को। और यहाँ पर वेयर हाउस भी इस्टाब्लिश किया गया है, महीनों तक खाने के लिए सामान होगा इस वेयर हाउस में। तो अगर यूपीएससी पूछे कि भासनचर ये सुर्खियों में था, क्या है ये? एक आइलैंड है बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में, इस आइलैंड पर 1 लाख के आसपास रोहिंग्यास को शिफ्ट किया जाएगा और 1 लाख में से 6 से 7 हजार रोहिंग्यास अब ऐसे हैं जिन्होंने इस आइलैंड पर शिफ्ट करने के लिए अपनी हाँ भर दी है। चलते हैं आगे। आर्टिकल सियाचिन ग्लेशियर के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? सियाचिन ग्लेशियर को अभी ओपन कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए और टूरिज्म के लिए। सियाचिन ग्लेशियर देखो कराकोरम रेंज सिस्टम में लाई करता है और वो जोन जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट को सेपरेट करता है, उस जोन के साउथ में आता है ये सियाचिन ग्लेशियर। आप एक बार इस मैप को देखिए, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे ये है सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान ये बोलता है जब एलओसी डिसाइड हुई थी तो एलओसी इस प्रकार से आगे मूव करने चाहिए, जबकि इंडिया का ये कहना है कि एलओसी इस प्रकार से मूव करनी चाहिए और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया की टेरिटरी में आएगा। जब देखो 1971 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उस समय सियाचिन ग्लेशियर पर कोई बात नहीं हुई थी कि कौन इसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि बिल्कुल बर्फ है यहाँ पर, तो सोचा भी नहीं था कि इस ग्लेशियर को लेके कभी विवाद हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, 1984 के आसपास पाकिस्तान ने इस ग्लेशियर को टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया। पाकिस्तान मतलब आप देखो टूरिज्म के लिए ओपन कर रहे हो तो इसका मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो उस रीजन को, आप टिकटें बेच रहे हो वहां पर जाने के लिए। तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के इंटेंशंस ये है कि इस ग्लेशियर पर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है। तो इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, मतलब हमने प्रोएक्टिव स्टेप लिया और वहां पर हमारी आर्मी को हमने भेज दिया और सियाचिन ग्लेशियर की अब जो बड़ी हाइट्स हैं उन पर देखो हमारी आर्मी तैनात है और छोटी हाइट्स पर पाकिस्तान की आर्मी तैनात है। लेकिन देखो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में यूं कहा जाता है कि इस बर्फ के ग्लेशियर के लिए इंडिया और पाकिस्तान इस प्रकार से लड़ रहे हैं जैसे दो गंजे किसी कंघी के लिए लड़ रहे हों, क्योंकि वहां से कुछ मिलना नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज जाते हैं, हमारी आर्मी वहां पे तैनात है, बहुत खर्चा होता है, इतने सारे आर्मी के जो जवान हैं वो शहीद भी हो जाते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहां भी काफी ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं। तो बहुत बार देखो आवाज उठती रहती है कि सियाचिन को डीमिलिटराइज किया जाए, लेकिन बात यहां पे ट्रस्ट फैक्टर की है। अगर हम पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर लें तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान फिर से इस रीजन पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा? देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है इस सियाचिन ग्लेशियर की, एक तरफ चाइना है दूसरी तरफ पाकिस्तान है, काराकोरम रेंज सिस्टम से इंडिया नजर रख सकता है, लेकिन कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के सिग्निफिकेंस बताई गई है सियाचिन ग्लेशियर की, उतनी सिग्निफिकेंस है नहीं। चलो ये तो हमने थोड़ा स्टोरी की फॉर्म में डिस्कस कर लिया जो कि मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम के लिए क्या पूछा जा सकता है? देखो ऑपरेशन मेघदूत के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है और यूपीएससी ये पूछ सकती है कौन कौन सी नदियां इस ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसे देखो नुब्रा रिवर,
जो कि ट्रिब्यूटरी हैं शोक रिवर की, और शोक रिवर बदले में ट्रिब्यूटरी हैं इंडस रिवर की। तो इन नदियों में पानी आता है सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर में देखो वर्ल्ड का हाईएस्ट हेलीपैड भी है, जो कि बिल्ड किया गया है इंडिया के द्वारा पॉइंट सोनम पर, ताकि वहाँ पर ट्रूप्स की सप्लाई हो सके। हाईएस्ट टेलीफोन बूथ भी इंस्टॉल किया गया है इंडिया के द्वारा इस ग्लेशियर पर। यहाँ पे काफ़ी सारी रेयर स्पीशीज मिलती हैं, जैसे स्नो लियोपार्ड, ब्राउन बियर, जिनको नुकसान पहुँच सकता है मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से। तो काफ़ी बार देखो इंटरनेशनल फोरम्स पर ये क्वेश्चन उठाया जाता है, क्यों ना इस रीजन में एक पीस पार्क इस्टेब्लिश किया जाए और इस रीजन को डीमिलिटराइज कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हमने सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो रामगढ़ डैम के बारे में है। रामगढ़ डैम देखो राजस्थान में है। इस डैम से जयपुर के लिए पीने का पानी सप्लाई होता था, लेकिन पिछले 10 सालों में ये जो डैम है पूरी तरह से सूख चुका है। तो अभी इस बात पर विचार चल रहा है एक नहर बना के चंबल नदी से पानी लाया जाए इस डैम में। ये चंबल नदी है, एक नहर बनाई जाए और चंबल नदी से पानी लाया जाए इस डैम में। इस डैम को देखो कंस्ट्रक्ट किया गया था 1904 में। उस समय रूल था स्वाई माधो सिंह द्वितीय का। एक समय ये था कि इस डैम में इतना पानी था कि 1982 में जब एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे तो यहाँ पे बोटिंग की रेस हुई थी। लेकिन आप देख लीजिए कि आज समय ऐसा आ गया है कि ये डैम पूरी तरह से सूख गया है। थोड़ा सा हम चंबल रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चंबल रिवर से नहर बना के पानी लाया जाएगा इस रामगढ़ डैम में। आप इस मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये है चंबल रिवर, यहाँ पे यमुना नदी से मिल जाती है ये चंबल रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये चंबल रिवर? ओरिजिनेट होती है विंध्यास माउंटेन से। विंध्यास माउंटेन में एक पीक है सिंगर चोरी पीक। फिर से बोलता हूँ, विंध्यास माउंटेन में एक पीक है सिंगर चोरी पीक, यहाँ से ओरिजिनेट होती है चंबल रिवर। ये पीक जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है, उसके बाद राजस्थान में एंटर करने के बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, और उसके बाद यूपी में एंटर करके यमुना नदी से मिल जाती है चंबल रिवर। यूपी के जिस डिस्ट्रिक्ट में चंबल रिवर यमुना नदी से मिलती है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है इटावा। टोटल लेंथ देखो चंबल रिवर की है 960 किलोमीटर्स, और चंबल रिवर को मोस्ट पॉल्यूशन फ्री रिवर्स में से एक माना जाता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें, चंबल रिवर देखो रेन फेड रिवर है, मतलब चंबल रिवर में पानी का जो मुख्य सोर्स है वो बारिश है, रेन है। और मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न में जो मालवा रीजन है उस रीजन को सींचती है चंबल रिवर। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? बानस, काली सिंध, पार्वती। मेन पावर प्रोजेक्ट्स या फिर डैम्स कौन कौन से हैं चंबल रिवर के ऊपर? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैरेज। नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो चंबल रिवर के आसपास है। ट्राई जंक्शन जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे तीनों राज्य की सीमा मिलती है, उसके पास है ये चंबल नेशनल सेंचुरी। लास्ट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है, चंबल रिवर में क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल, रेड क्राउंड रूफ टर्टल और इंडेंजर्ड गैंजीज रिवर डॉल्फिन मिलती हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा, इन पर यूपीएससी ने पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। आप 2019 का पेपर देख लीजिए, इस प्रकार से जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनसे काफ़ी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और क्वेश्चंस सोल्व होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु को इनाग्रेट किया। कहाँ पर है ये ब्रिज यानी सेतु? ये देखो ईस्टर्न लद्दाख में है, चाइना के बॉर्डर से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है ये ब्रिज। कौन सी रिवर के ऊपर इस्टाब्लिश किया गया है? इसे देखो इस्टाब्लिश किया गया है श्योक रिवर के ऊपर। श्योक जो है वो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। खास बात देखो इस ब्रिज की ये है, ये हमारे देश में
हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज है, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट पर कोई भी ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज नहीं इस्टाब्लिश किया गया है हमारे देश में। तो ये जो कर्नल चिवांग रिंचेन सेतु है, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर इस्टाब्लिश किया गया ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज है। देखो, ले से लेके काराकोरम पास के बीच जो रोड है, उस रोड में एक सेक्शन है दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, इस सेक्शन पर लोकेटेड है ये ब्रिज। वैसे भी लोकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ब्रिज की, क्योंकि एक तरफ काराकोरम रेंज है और दूसरी तरफ चेनमो रेंजेस हैं। तो अगर यूपीएससी पूछे कि कर्नल चिवांग रिंचेन सेतु कहाँ पर है, लद्दाख में है, कौन सी रिवर पे है, श्योक रिवर पे है। श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्या ये हमारे देश में हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज है? जी हाँ, बिल्कुल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चेनानी नासरी टनल के बारे में है। कंटेक्स्ट की बात बाद में करेंगे, पहले इस टनल के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। देखो, नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उस नेशनल हाईवे पर 9 किलोमीटर की ये टनल है, चेनानी नासरी टनल। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नासरी है और ये चेनानी है। टोटल लेंथ है इस टनल की 9.2 किलोमीटर। ये लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टनल है हमारे देश में। ये टनल उधमपुर को रामबान से जोड़ती है, रामबान जम्मू में है। ये वर्ल्ड की 6th रोड टनल है, जहाँ पर ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम है और जिसे सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस टनल में, जैसे देखो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वीडियो सर्विलेंस सिस्टम, एफएम रीब्रॉडकास्ट सिस्टम, एंट्रेंस डिटेक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम। तो काफ़ी सारी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं इस टनल में। और अभी कंटेक्स्ट की हम बात करें तो कंटेक्स्ट ये है, इस टनल का नाम चेंज कर दिया गया है। इस टनल का अब नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो अगर यूपीएससी पूछ ले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्या है, तो आप बता सकते हो चेनानी नासरी जो टनल है, इसका नाम बदल के अब रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साइक्लोन क्यार के बारे में है। साइक्लोन क्यार का फॉर्मेशन हो रहा है अरेबियन सी में। आज की देखो लेटेस्ट न्यूज़ तो ये बोलती है साइक्लोन क्यार जो है वो थोड़ा बहुत वीकन हुआ है, यानी कमज़ोर हुआ है। खास बात देखो साइक्लोन क्यार के बारे में ये है कि 2007 में जो ओमान कोस्ट पर साइक्लोन टकराया था, साइक्लोन गोनू, वो एक सुपर साइक्लोन था। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इवन देखो 1999 में, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, उड़ीसा के तट पर एक बहुत ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन टकराया था, वो भी एक सुपर साइक्लोन था। ऑलमोस्ट 10,000 लोगों की डेथ हो गई थी, और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। अनऑफिशियल ये बोला जाता है कि 15,000 लोगों की डेथ हो गई थी 1999 में, जब उड़ीसा में साइक्लोन आया था जो कि एक सुपर साइक्लोन था। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में तो हम सुनते रहते हैं, ये सुपर साइक्लोन क्या होता है? देखो, सुपर साइक्लोन का सिंपल मतलब ये होता है बहुत ही ज़्यादा सीवियर साइक्लोन, इंटेंस साइक्लोन आप कह सकते हो, जिसमें हवा जो है वो बहुत तेज़ गति से चलती है। आमतौर पे देखो जो सामान्य साइक्लोन्स होते हैं उनमें हवा चलती है 150, 160, 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन सुपर साइक्लोन्स जो हैं उनमें हवा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा चलती है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, 1999 में जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में, उस साइक्लोन में हवा की जो स्पीड थी, विंड की जो स्पीड थी, वो 260 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से थी। तो आप सोच सकते हो कि जान माल का कितना नुकसान हुआ होगा इस साइक्लोन की वजह से, जो कि एक सुपर साइक्लोन था। तो सुपर साइक्लोन के बारे में अगर यूपीएससी पूछती है तो सुपर साइक्लोन में क्या होता है, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम बनता है। वैसे देखो साइक्लोनिक स्टॉर्म को आने के लिए एक कंडीशन ये होती है, लो प्रेशर सिस्टम, और जबकि सुपर साइक्लोन जब आते हैं तो कंडीशन इस प्रकार से होती है कि बहुत ज़्यादा कम प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक सिनोप्टिक चार्ट की सहायता से, चार क्लोज्ड आइसोबार्स का यूज़ करके 2HPA इंटरवल में। HPA का मतलब हेक्टोपास्कल, प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूनिट है हेक्टोपास्कल।
और आइसोबार का क्या मतलब होता है? आइसोबार का देखो सिंपल मतलब ये होता है, ऐसी लाइन मैप के ऊपर जहां पर देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ए बी ये लाइन है, यहां पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर सेम है, यहां पर भी सेम है इस पर्टिकुलर टाइम पर, तो ये आइसोबार होगा। तो हम बात कर रहे थे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जो विंड स्पीड होती है वो देखो 120 नोट्स या फिर इससे अधिक होती है। आइडिया मैं आपको दूं तो एक नोट में होते हैं 1.85 किलोमीटर, तो 120 नोट्स में होंगे ऑलमोस्ट 222 किलोमीटर के आसपास। तो विंड स्पीड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में होती है 120 नोट्स या फिर उससे अधिक, समझ गए? तो साइक्लोन और सुपर साइक्लोन्स में डिफरेंस होता है इंटेंसिटी का। विंड स्पीड ज़्यादा अधिक होती है सुपर साइक्लोन में, और विंड स्पीड जो है वो रिलेटिवली कम होती है जो यूजुअल साइक्लोन्स आते रहते हैं उनमें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया साइक्लोन क्यार के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल सरयू रिवर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो इस साल दिवाली के मौके पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें एक साथ 5,50,00,000 दियों को एक साथ जलाया गया। तो इसे देखो अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दियों को एक साथ नहीं जलाया गया है कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में। तो क्वेश्चन बन सकता है सरयू रिवर के ऊपर। सरयू रिवर देखो ओरिजिनेट होती है लेक मानसरोवर से। आप ये बताइए लेक मानसरोवर कहाँ पर है? लेक मानसरोवर देखो तिब्बत में है, और तिब्बत फिलहाल अभी चाइना का पार्ट है। उसके बाद सरयू रिवर फ्लो करती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। देखो एंशियंट सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है सरयू नदी की, क्योंकि वेदास में और रामायण में स्थान मिलता है, मेंशन है सरयू रिवर के बारे में। सरयू रिवर को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी से मिल जाती है, मर्ज हो जाती है सरयू रिवर। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हम डिस्कस करें, बहरीच डिस्ट्रिक्ट में करनैली और महाकाली जहाँ पर ये दोनों रिवर्स मर्ज होती हैं वहाँ पे सरयू रिवर का फॉर्मेशन होता है। और अयोध्या जो है यूपी में वो देखो सरयू नदी के किनारे पर है, और सरयू नदी कुमाऊँ हिमालय से फ्लो होकर गुजरती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सरयू रिवर से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो उलुरू के बारे में है। उलुरू देखो एक रॉक है, कहाँ पे? सेंट्रल एशिया, सॉरी सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर देखो ये है उलुरू रॉक। ये मोनोलिथिक रॉक है, मतलब चट्टान का एक ही टुकड़ा है ये। ऐसा नहीं कि इसे मानव के द्वारा किसी प्रकार की आकृति दी गई हो विभिन्न प्रकार की चट्टानों को मिला के, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर इस रीजन में जो लोग लोकल लोग रहते हैं यानी ट्राइबल ग्रुप के लोग जिनका नाम है अनंगू, यहाँ पर देखो इस रोक के आसपास और रोक पर जो लोकल ट्राइबल लोग रहते हैं उनको कहा जाता है अनंगू। अनंगू पीपल के द्वारा इस रोक को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इस रोक पर, इस चट्टान पर किसी पर्सन के द्वारा विजिट करना शुभ माना जाता है। जैसे अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो आप इस चट्टान पर विजिट कर सकते हो। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस रोक की क्लाइंबिंग पर रोक लगा दी है। इस चट्टान की क्लाइंबिंग पर बैन लगने का जो मेन रीज़न है वो ये है, जो लोकल लोग हैं यहाँ पर अनंगू, उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा था कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे हैं जिससे हमारा जो कल्चर है वो खतरे में पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस चट्टान के ऊपर क्लाइंबिंग पर बैन लगा दिया है। वैसे देखो ये जो उलुरू है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कंपोजिशन की बात करें, कोर्स ग्रेंड एरकोज। एरकोज क्या होता है? एरकोज देखो एक टाइप का सैंडस्टोन होता है जिसमें फेल्डस्पर की मात्रा जो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये जो रॉक है वो कॉन्ग्लोमेरेट से मिलकर बनी है। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब काफ़ी सारे आइटम्स मिक्स होते हैं, ऐसी एंटिटी को कह दिया जाता है कॉन्ग्लोमेरेट। तो हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया
उलुरू के बारे में, बस लास्ट बात एक ये है, उलुरू रोग को एयर्स रोग से के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखो, एयर्स रोग, अगर यूपीएससी ये पूछ ले कि एयर्स रोग क्या है, तो ये दूसरा नाम है उलुरू रोग का। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल माउंट ब्लैंक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है, माउंट ब्लैंक जो ग्लेशियर्स की एक रेंज है और वेस्टर्न यूरोप में हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, इस ग्लेशियर्स की रेंज में एक जो ग्लेशियर है प्लान पिंस्यूक्स, इस ग्लेशियर का एक बड़ा सेक्शन जो है वो कोलैप्स होने वाला है, मतलब खतरा है इस ग्लेशियर का एक बड़ा सेक्शन कोलैप्स हो सकता है। हम बात करें माउंट ब्लैंक की, 11 पीक्स इस रेंज में ऐसी हैं जिनकी हाइट 4000 मीटर से ऊपर है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर है ये रेंज, माउंट ब्लैंक रेंज, और इसलिए आप कह सकते हो इटली में भी आती है ये रेंज और फ्रांस में भी आती है क्योंकि बॉर्डर पर है, आप मैप भी देख सकते हो, ये ऊपर फ्रांस है, नीचे इटली है। रीज़न देखो ये है, ग्लेशियर के एक बड़े सेक्शन के कोलैप्स होने के खतरे का, कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस वजह से जो पोलर आइस शीट्स हैं वो रिट्रीट कर रही हैं, यानी बर्फ पिघल रही है। इस माउंटेन रेंज का जो नाम है वो माउंट ब्लैंक ही है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, शायद मैंने गलती से माउंट ब्लैंक बोल दिया था, नाम ही ऐसा है इस माउंटेन रेंज का, माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट आर्टिकल सलार देविनी के बारे में है, ये बोलीविया में है, बोलीविया की लोकेशन एक बार आप देख लीजिए साउथ अमेरिका में, ये देखो यहाँ पर है बोलीविया, साउथ अमेरिका के सबसे ज़्यादा गरीब देशों में से एक है बोलीविया, यहाँ पर इस देश में है सलार देविनी। है क्या ये सलार देविनी? ये देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट साल्ट पैन, या फिर आप कह सकते हो साल्ट फ्लैट है, ये है साल्ट फ्लैट, मतलब हजारों साल पहले यहाँ पर एक लेक हुआ करती थी, यानी झील हुआ करती थी, जो अब सूख चुकी है, पानी अभी भी कई सीजन्स में इस रीजन में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी सूख जाता है ड्राई सीजन में, इस प्रकार की जमीन इमर्ज होके आती है और यही है साल्ट पैन। इस प्रकार के साल्ट पैन हमारे देश में गुजरात में काफ़ी देखने को मिलते हैं। बोलीविया के ये जो साल्ट पैन हैं ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट साल्ट पैन हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ देखो ये है, ये जो हजारों किलोमीटर फैले हुए साल्ट पैन हैं इनके नीचे लिथियम के रिजर्व हैं, और बोलीविया काफ़ी गरीब देश है, लिथियम की डिमांड आपको पता है बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें जो बैटरी यूज़ होती हैं, बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है, तो पूरी दुनिया में लिथियम की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो बोलीविया सरकार अब प्लान कर रही है साल्ट पैंस के नीचे जो लिथियम के रिजर्व हैं उनको बड़े स्केल पे उनकी माइनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि कुछ रेवेन्यू प्राप्त हो बोलीविया को, और बोलीविया जो अभी सबसे ज़्यादा गरीब देशों में से एक है साउथ अमेरिका के, थोड़ा वहाँ पे इनकम लेवल बढ़े लोगों का, बोलीविया की जो इकोनमी है वो थोड़ी बूस्ट हो। कहा देखो ये भी जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 50-70% लिथियम का जो रिजर्व है वो यहीं पर है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सलार देविनी के बारे में। चलते हैं आगे, रिवर के बारे में है। जमीन के नीचे दबी हुई एक प्राचीन काल की रिवर मिली है यूपी में, ये देखो ये यमुना रिवर है और ये गंगा रिवर है, दोनों का संगम हो रहा है प्रयागराज में, और यहाँ पे ये रिवर मिली है जमीन के नीचे दबी हुई, 15 मीटर तक मिट्टी जो है वो जमी हुई थी इस रिवर के ऊपर। और नाम क्या है इस रिवर का? अभी तो देखो इस रिवर को एंशियंट ब्यूरिड रिवर कहा जा रहा है, मतलब प्राचीन काल की दबी हुई रिवर, 4 किलोमीटर चौड़ी है, 45 किलोमीटर लंबी है और 15 मीटर थिक लेयर जमी हुई है सोयल की। गंगा और यमुना के संगम से पहले 26 किलोमीटर पहले यमुना नदी में मिलती है ये रिवर, एंशियंट ब्यूरिड रिवर। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है नहीं जिस पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता हो। नेक्स्ट आर्टिकल सलार देविनी के बारे में है, ये बोलीविया में है, बोलीविया की लोकेशन एक बार आप देख लीजिए साउथ अमेरिका में,
ये देखो यहाँ पर है बोलीविया, साउथ अमेरिका के सबसे ज़्यादा गरीब देशों में से एक है बोलीविया। यहाँ पर इस देश में है सल्लार देउनी। है क्या ये सल्लार देउनी? ये देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट साल्ट पैन, या फिर आप कह सकते हो साल्ट फ्लैट है। ये है साल्ट फ्लैट, मतलब हजारों साल पहले यहाँ पर एक लेक हुआ करती थी, यानी झील हुआ करती थी, जो अब सूख चुकी है। पानी अभी भी कई सीजन्स में इस रीजन में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी सूख जाता है ड्राई सीजन में, इस प्रकार की जमीन इमर्ज होकर आती है, और यही है साल्ट पैन। इस प्रकार के साल्ट पैन हमारे देश में गुजरात में काफी देखने को मिलते हैं। बोलीविया के ये जो साल्ट पैन हैं, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट साल्ट पैन हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ देखो ये है, ये जो हजारों किलोमीटर फैले हुए साल्ट पैन हैं, इनके नीचे लिथियम के रिजर्व हैं। और बोलीविया काफ़ी गरीब देश है, लिथियम की डिमांड आपको पता है बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें जो बैटरी यूज़ होती हैं, बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है, तो पूरी दुनिया में लिथियम की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो बोलीविया सरकार अब प्लान कर रही है साल्ट पैंस के नीचे जो लिथियम के रिजर्व हैं उनको बड़े स्केल पे उनकी माइनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि कुछ रेवेन्यू प्राप्त हो बोलीविया को। और बोलीविया जो अभी सबसे ज़्यादा गरीब देशों में से एक है साउथ अमेरिका के, थोड़ा वहाँ पे इनकम लेवल बढ़े लोगों का, बोलीविया की जो इकोनमी है वो थोड़ी बूस्ट हो। कहा देखो ये भी जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 50 से 70% लिथियम का जो रिजर्व है वो यहीं पर है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सल्लार देउनी के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल माउंट ब्लैंक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है, माउंट ब्लैंक जो ग्लेशियर्स की एक रेंज है और वेस्टर्न यूरोप में हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, इस ग्लेशियर्स की रेंज में एक जो ग्लेशियर है प्लान पिंस्यूक्स, इस ग्लेशियर का एक बड़ा सेक्शन जो है वो कोलैप्स होने वाला है, मतलब खतरा है इस ग्लेशियर का एक बड़ा सेक्शन कोलैप्स हो सकता है। हम बात करें माउंट ब्लैंक की, 11 पीक्स इस रेंज में ऐसी हैं जिनकी हाइट 4000 मीटर से ऊपर है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर है ये रेंज, माउंट ब्लैंक रेंज, और इसलिए आप कह सकते हो इटली में भी आती है ये रेंज और फ्रांस में भी आती है, क्योंकि बॉर्डर पर है। आप मैप भी देख सकते हो, ये ऊपर फ्रांस है नीचे इटली है। रीजन देखो ये है, ग्लेशियर के एक बड़े सेक्शन के कोलैप्स होने के खतरे का, कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से जो पोलर आइस शीट्स हैं वो रिट्रीट कर रही हैं, यानी बर्फ़ पिघल रही है। इस माउंटेन रेंज का जो नाम है वो मोंट ब्लैंक ही है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, शायद मैंने गलती से माउंट ब्लैंक बोल दिया था, नाम ही ऐसा है इस माउंटेन रेंज का, मोंट ब्लैंक। सो नेक्स्ट आर्टिकल है रोहतांग पास के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए, अभी 500 से ज़्यादा लोगों को जो रोहतांग पास है वहाँ पे जो स्नोफॉल के कारण जो लोग फंस गए थे उनको निकाला गया। तो कंटेक्स्ट तो देखिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ रोहतांग पास पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये एक हाई माउंटेन पास है एंड ये किन दो चीज़ों को कनेक्ट करता है? तो उसका आंसर है कुल्लू वैली विथ लाहौल एंड सिप्ती वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये आपका पीर पंजाल की जो रेंज है उसमें लोकेटेड है। फिर हाइट इसकी है 3978 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक एक बार देख लेते हैं। फिर जो ये पास है ये देखिए लाई करता है आपके जो वाटर शेड है बिटवीन चेनाब एंड द बियास बेसिन्स, उसके ऊपर देखिए ये पास लाए करता है। अगर और थोड़ा से पासिस के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो आपका जोजीला एंड काराकोरम पास है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद आपका बरचाला पास एंड आपका शिपकीला पास है हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद लीपू लेक एंड माना पास है आपका उत्तराखंड में, एंड जेलेपला एंड नाथुला है सिक्किम में। फिर दीपू पास, दिहांग पास एंड बोमिदेला, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो यूपीएससी ये कर सकती है कि पासेस दे देगी आपको एंड आपको
स्टेट से मैच करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है माउंट किलिमंजारो के बारे में। तो देखिए, पहली बात ये पूछा जा सकता है माउंट किलिमंजारो है कहाँ, तो ये एक अफ्रीका में है, ये ध्यान रखिएगा। एंड ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। एंड कौन सी कंट्री में, ये तंजानिया में है। फिर देखिए, ये हाईएस्ट माउंटेन है आपका अफ्रीका का, एंड लगभग आप कह सकते हो कि इसका जो 5895 मीटर्स अबव द सी लेवल है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आप याद रखिएगा, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। ये देखिए आप फोटोज में देख सकते हैं। फिर उसके बाद तो देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन लोग पहले चढ़े थे, जैसे यहाँ लिखा है हंस मेयर एंड लुडविक पर्शलर, ये सब तो देखिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, जो ये माउंट किलिमंजारो है इसमें तीन वॉल्केनिक कोन्स है, और किबो शिरा एंड मेवेंजी, ये ध्यान रखिएगा। एंड इसमें जो शिरा एंड मेवेंजी है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है, एंड किबो इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये तो बस हम डिस्कस कर रहे हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यही ध्यान रखिएगा मेन जो माउंटेन्स होते हैं वो मैच आ सकता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एशिया का सबसे हाईएस्ट आपका माउंट एवरेस्ट है, फिर साउथ अफ्रीका में आता है अकोनागुआ, ठीक है, फिर उसके बाद किलिमंजारो अफ्रीका में आता है, दिनाली आता है नॉर्थ अमेरिका में, माउंट कोशियोजो ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, फिर माउंट एल्ब्रस आता है आपका यूरोप में, एंड माउंट विंसन ये आता है एंटार्क्टिका में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से हाईएस्ट माउंटेन्स हैं आपके सेवन जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ के, एक एक बार ये पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।